और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगवार से सनसनी मच गई। बदमाशों ने राहुल सोलंकी नाम के एक शख्स को 13 गोलियां मारी हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मृतक राहुल सोलंकी ने साल 2012 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब वो टैक्सी चलाने का काम करता है। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव में घर जाते वक्त बाइक पर आए 3 नकाबपोशों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन एक दो नहीं बल्कि 13 गोलियां मारकर पूरे शरीर को छलनी कर दिया गया। युवक की मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो शुरुआती जानकारी मिली है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों की ओर से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने 13 गोलियों से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी खुद ली है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि हत्या की वारदात को मृतक शख्स ने अंजाम दिया था 2012 में। उसके बाद वो कैब चलाने का काम करता था, लेकिन उसके बाद उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया।